मार्च के महीने में सर्दी, गर्मी और बारिश के साथ मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है तो कभी तेज धूप का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और लखनऊ सहित कई जिलों में मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में आज से 5 अप्रैल के दौरान छिटपुट गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी और बिजली गिरने की संभावना है। ओडिशा, गंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड में गरज और बिजली के साथ तेज हवाएं और बारिश होने की संभावना है। इधर बिहार में ओलावृष्टि भी देखने को मिली। राजस्थान की बात करें तो मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 5 और 6 अप्रैल की मध्यरात्रि को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। राज्य के कुछ भागों में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की बारिश और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में 5 से 8 अप्रैल तक तापमान सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ जाने के बाद अब मौसम साफ हो गया है, गर्मी फिर से तेज होने लगी है। कोटा फलौदी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पास दर्ज हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के विशेषज्ञों ने आगामी 4-5 दिन मौसम साफ रहने और गर्मी तेज होने की संभावना जताई। इसके साथ ही अब 5 से 6 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। प्रदेश में 5 दिन बाद मौसम फिर बदलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में बीते दिनों हुई ओलावृष्टि और बारिश से पारे पर लगाम लगे हैं। फिलहाल प्रदेश का मौसम सामान्य बना हुआ है। गंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड में गरज और बिजली के साथ तेज हवाएं और बारिश होने की संभावना है। इधर बिहार में ओलावृष्टि भी देखने को मिली। राजस्थान की बात करें तो मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 5 और 6 अप्रैल की मध्यरात्रि को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। राज्य के कुछ भागों में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की बारिश और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में 5 से 8 अप्रैल तक तापमान सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ जाने के बाद अब मौसम साफ हो गया है, गर्मी फिर से तेज होने लगी है। कोटा फलौदी में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पास दर्ज हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के विशेषज्ञों ने आगामी 4-5 दिन मौसम साफ रहने और गर्मी तेज होने की संभावना जताई। इसके साथ ही अब 5 से 6 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। प्रदेश में 5 दिन बाद मौसम फिर बदलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में बीते दिनों हुई ओलावृष्टि और बारिश से पारे पर लगाम लगे हैं। फिलहाल प्रदेश का मौसम सामान्य बना हुआ है।